तीन सालों से रेगुलर स्टाफ की कमी से हर वर्कशॉप में मुझे भेजा जा रहा था, हर बार आ रहा था, मुझे पता था ये भी शायद ऐसा ही वर्कशॉप रहा होगा, दो दिन टाइम पास करना है, मगर यहाँ पे आके मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस दो दिन का, इतना मज़ा आया सर कि पूछे मैं, कोई सब नहीं है इस वर्कशॉप के लिए, स्पेशली जो भी दोनों सर ने जो कॉन्सेप्ट बताया बहुत ही क्लियर बताई, और लैंग्वेज सबसे बेटर थी उनकी, इतना अच्छा लगा कि हर चीज़ एकदम क्लियर एक्सप्लेन होता, हर चीज़ जो बता रहे थे वो हम भी बना पा रहे थे, सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये थी। इट वॉज एन अल्टीमेट एक्सपीरियंस, यूनिक एक्सपीरियंस जो पहले कभी नहीं किया था, जो कुछ भी काम हमने यहाँ किया वो खुद अपने हाथ से किया, देर वॉज नो फॉर्मल नॉलेज और सब्जेक्टिव नॉलेज इन्वॉल्व, जो भी प्रैक्टिकल जो चीज़ थी वो प्रैक्टिकल थी, अल्टीमेटली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हमें भी लगा कि हम कुछ कर सकते हैं, स्पेशली कुछ इस ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं बच्चों में, जो बच्चों का जो एजुकेशन नॉलेज मिल रहा है उनको, किताबें पढ़ रहे हैं मगर बेसिक कॉन्सेप्ट उनका अभी भी क्लियर नहीं है, इवन हमारे भी क्लियर नहीं है, तो बच्चों को हम कैसे कर पाएंगे। एक नॉर्मल क्लासरूम में एक टीचर होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, और देर इज़ अ सर्टन गैप, शायद वो गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो टीचर बहुत बार बच्चों तक पहुँच नहीं पाते। यहाँ जो हमसे हमें सिखाने वाले थे, जो हमारे टीचर्स थे, वो तो हमें से थे, वो हमारे बीच में आके बैठ जाते थे, हमें बैठ के अपने हाथों से सिखाते थे, ये बहुत एक मोटिवेटिंग प्रोसेस है। अब हम भी अपनी क्लास में जाएंगे तो शायद यही फार्मूला यही तरीका हम भी यूज़ करें कि बच्चों के बीच में बैठ जाएं, उनके साथ मिलके काम करें और वहीं की वहीं उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करें, ये चीज़ें बहुत इस वर्कशॉप को अलग बना देती हैं। रूम का माहौल बहुत फॉर्मल, बहुत औपचारिक, बहुत बंधा हुआ होता है, जिसमें बहुत सारे डिसिप्लिन के नाम पर हम बच्चों पर बहुत सारी बंदिशें लगा देते हैं, आपस में बात भी नहीं करने देते। यहाँ हम शोर मचा रहे थे, बात कर रहे थे, हंस रहे थे, बहस कर रहे थे, झगड़ा भी कर रहे थे, एक दूसरे से डिसएग्री भी हो रहे थे, इवन हम अपने गाइड्स को, हमारे जो ट्यूटर्स हैं उनको भी हम परेशान कर रहे थे, लेकिन सब कुछ अलाउ था और इन सब के साथ साथ सीखने का प्रोसेस था। तो अल्टीमेटली ये सब बताता है कि हमारे मॉडर्न क्लासरूम का डिज़ाइन क्या होना चाहिए, तो ये एक तरह का फ्यूचरिस्टिक क्लासरूम का एक डेमो था हमारे लिए। और वैसे तो मेरी नौकरी लगभग 25 साल हो गई और मैं यहाँ पर बहुत सारे इस तरह का सेमिनार और वर्कशॉप ओरिएंटेशन कोर्स हमने किया, लेकिन जो कोर्स हमने यहाँ देखा और इतना सीखने को मिला, ये रियली हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल है और इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी शिक्षा पद्धति में कुछ गलतियाँ हैं, ये गलतियाँ केवल थियोरिटिकल एजुकेशन इंडिया में है, क्योंकि हम क्लर्क प्रोड्यूस करते हैं, हम ये क्लर्क प्रोड्यूस नहीं कर करके अपने आप स्वतः बच्चे बन सकें, अपना इंडस्ट्री खोल सकें, इसकी ज़रूरत है, जिससे हैंड्स ऑन वर्क की बहुत ही ज़रूरत है। इसमें जो हमने पेपर कटिंग से किया वो बहुत अच्छा था, बच्चों को मैथमेटिक्स उसमें ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, पॉलीगन्स का, और प्लस ये जो हम लोग 3 डायमेंशनल शेप्स बना रहे हैं, ये भी मैथ्स में मतलब बहुत हेल्पफुल है बच्चों के लिए।